ह्यूमर में इंदौरी सेव का चटपटा स्वाद हो और इनकी बात पर ऑडियंस की दाद हो, तो इनकी बैटरी चार्ज जब हो ही जाएगी ना, प्लीज वेलकम मुन्ना बैटरी फ्रॉम मंदसौर एमपी। शेखर जी नमस्कार, अर्चना जी नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार अर्चना जी। मेरी वाइफ ने मेरे से पूछ लिया, क्या बोले ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है। मैंने उसको असलियत बता दी, 8 दिन से बोलचाल बंद है। मैंने कहा मुझसे सगाई तुड़वा कर तेरे बाप ने 2 साल तक 18 लड़के देखे थे, हाँ। उसके बाद बारात लेकर कौन आया, बोले आप। मैंने कहा इसी को वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं। और शेखर जी मेरा तो जन्म इस दुनिया में वाइल्ड कार्ड एंट्री से हुआ है। अच्छा। मेरे तो खुद के घर में 2 लोग ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके थे। और वैसे भी घर में नंबर पहला हो या तीसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा बढ़िया होना चाहिए, कि जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, कि जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, चमक हीरो की देख बता दे उसका मोल कितना है। और हम एमपी वालों का कॉमन सेंस भी बड़ा अजीब है दुनिया में, जो गाड़ी का धुआं देखकर बता देते हैं टैंक में पेट्रोल कितना है। एक तो हमें सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना आज तक समझ में नहीं आया। सही कह रहा हूं शेखर जी, अगर अमेरिका में कोई रोड खराब हो जाती है तो वहां का आदमी एक फोटो खींच के सरकार के पोर्टल पे डालता है, सरकार के वहां से मैसेज ठेकेदार को जाता है, ठेकेदार रात्रि में सामान लेकर रोड पे जाता है, रात भर काम चलता है, सुबह 8 बजे रोड चालू हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी प्रोसेस नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई रोड खराब हो जाए तो सबसे पहले तो हम उस रोड को और खराब होने देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी और खराब होने देते हैं, फिर उसके बाद उसमें से भाटे निकलना शुरू होते हैं, जो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे समुद्र मंथन चल रहा हो और अंदर से रत्न प्रकट हो रहे हैं। फिर उसके बाद साइकिल से एक आदमी उस पर गिरता है तो गुस्से में उसका फोटो खींचकर सरकार के पोर्टल पे नहीं डालता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है। फिर वही फोटो पूरी दुनिया के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता हुआ उसी आदमी के मोबाइल में पहुंचता है, अलग अलग सड़कों के नाम से। फिर वो आदमी फोटो वायरल होने की खुशी में फिर उस रोड पे जाता है और सेल्फी मोड में वापस उस रोड का वीडियो बनाता है और फिर वो वीडियो वापस उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है। अब संजोग से वो वाला वीडियो उस ठेकेदार के पास पहुंच जाता है जिसने ये रोड बनाई। अब उसके आदमी इस आदमी को ले जाके दमादम ठुकई करते हैं। अब ये ठुकई करते हुए का वीडियो वापिस पूरे हिंदुस्तान में घूमता हुआ उसी आदमी के मोबाइल में पहुंचता है और उस पे कैप्शन लिखा होता है, लड़की को छेड़ने पर मजनू की पिटाई। यस, 100% सही। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। अब इस रोड पे और घटनाएं घटित होती है। एक उसका रोड के अंदर एक पाइपलाइन जाती है, वो पाइपलाइन फटती है, उसके अंदर से एक बड़ा फंवारा रोड पर चल्लू हो जाता है जो 24 घंटे उस रोड को गीला करता है। अब इस फंवारे का फिर एक वीडियो तैयार होता है और पूरी दुनिया में व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल होकर उसमें एक नए कैप्शन के साथ पहुंचता है, बंगाल के एक छोटे गांव में धरती से निकला चमत्कृत पानी, लोगों की बीमारियां दूर हुई, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अब इस रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाती है, उसमें 3 लोग बेहोश होते हैं जो थोड़ी देर बाद वापस सही होकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन इसका फिर एक वीडियो बनता है और वो पूरी दुनिया में वायरल होते हुए लोगों के मोबाइल में नए कैप्शन के साथ पहुंचता है। जम्मू कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री संघ का हुआ एक्सीडेंट ट्राली के साथ, 25 लोग घायल। इस वीडियो को जरा आगे जल्दी फॉरवर्ड करें ताकि इनके घर वालों को सूचित किया जा सके। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। अब इस रोड की उन्नति और समुन्नति के और सुधार के लिए गांव वाले वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। इस तोड़फोड़ का वीडियो वापस पूरी दुनिया में वायरल होता है और एक नए कैप्शन के साथ वापस लोगों के मोबाइल में पहुंचता है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मुख्य आरोपी बंबई फरार। शेखर जी मैंने कल अपनी पत्नी को फोन लगाया कि क्या स्थिति है, वो बोली अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब कंडीशन ऐसी है कि जो काट न पाए सब्जी ये उसे खंजर बता देते हैं, वो माहौल भाईचारे का तो उसे खूनी मंजर बता देते हैं। और ये सोशल मीडिया का खेल भी क्या गजब है यारो, जहां एक बूंद ना हो पानी ये वहां समंदर बता देते हैं। थैंक यू। कॉमेडी का मकसद सिर्फ हंसाना ही नहीं होता, एक मैसेज देना होता है सोसाइटी में।
ज़रूरी नहीं कि हर बार, लेकिन जब भी ऐसा मैसेज पहुंचता है लोगों को बहुत पसंद आता है, जैसे मुझे आपका ये मैसेज पसंद आया। थैंक यू। कई चीज़ आप जो कॉमेडी में बोल जाते हैं वो ज़्यादा दूर तक पहुंचती है, तो आपका ये जो पोर्शन ऑफ द एक्ट था ये बहुत दूर तक पहुंचा। थैंक यू मैम। थैंक यू। वो सड़क तो अभी बन रही होगी, काम चल रहा है उसका, पर वो सड़क आखिर तक कभी नहीं बनेगी और उसके भिन्न भिन्न कैप्शन आते रहेंगे, पर आपने अपनी सड़क तैयार कर ली। थैंक यू सर। थैंक यू। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा मुन्ना जी, बताइए कि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है? बदलाव ये आया है प्रेम करने में। ये अर्चना जी, आप तो जानती हैं, एक जमाना था जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो प्रेम करने के लिए आदमी तड़पता था, तो उसके लिए चाव होती थी कि हम उससे प्रेम करना है। अब सोशल मीडिया पे लगे पड़े 24 घंटे, प्रेम खत्म हो गया, बाकी सब चल रहा है। जबकि वो दौर ऐसा था कि एक पल ही सही पर दिल में दर्द उठ जाता था, सपना ही सही पर मन का स्वर्ग लुट जाता था, और मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे, जब वो कॉलेज से घर पहुंचती और हमारा संपर्क टूट जाता था। थैंक यू। लेट्स हियर फॉर हिम वन मोर टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।